the question on atomic number and mass number. Very simple question. The atom of an element has atomic number 17 and mass number 37. You are given atomic number and mass number, and you need to calculate all these subatomic particles, protons, neutrons and electrons. Then what you are going to do? Simply put this, write down the same equation. The relationship between mass number and atomic number will give you all the three things that are required, right? So hum kaise start karenge? Mass number is equal to atomic number and plus number of, isko bhi capital kar dete hain, atomic number plus number of न्यूट्रॉन्स. ओके, तो मास नंबर हमारा क्या है? 17 है. देखिए दो तरह से ही हम कर सकते हैं, सॉरी 37 है. एक हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दो वैल्यूज अभी आपको पता चल जाएंगी, दैट वी नो दैट अटोमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अभी हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम. तो अटोमिक नंबर कितना दिया है? 17. ये आपका 17 हो गया, ये वैल्यू भी 17 हो गई. ठीक, अब आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए. वही रिलेशनशिप लिखिए, मास नंबर इज इक्वल टू वॉट, एक फॉर्मूला हमने लिखा था ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर अटोमिक नंबर भी लिख सकते हैं आप, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. So mass number is your, it's 37. अब number of protons are 17. आप इस side लेके जाएंगे तो minus हो जाएगा. Everyone I think must be knowing this thing. तो कितना हो गया number of neutrons? 20. ठीक है, all values are calculated in this manner. तो एक तो ये भी है, अगर आपको कोई टेबुलर फॉर्म में कुछ दे दिया जाए तो आप कैसे करेंगे? सेम टाइप के क्वेश्चन. नाउ वन मोर क्वेश्चन, कि ये टेबुलर फॉर्म में आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 13 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 14, और आपसे पूछा जा रहा है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर. तो सबसे पहले अगर आपने ध्यान दिया हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर गिवन, विच विल गिव यू एन आइडिया ऑफ वॉट, विच विल गिव यू एन आइडिया ऑफ यू नो अटोमिक नंबर, है ना? तो आप एटॉमिक नंबर इससे ही बता सकते हैं कि इट इज़ एक्चुअली 13, राइट? मास नंबर आपको कुछ करना ही नहीं है. मास नंबर इज व्हाट एक्चुअली? मास नंबर ए इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना? या फिर एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, विच विल बी 13 प्लस 14, और ये हमारा आ गया 27, है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितना था? 13. तो राइट 13 है. ओके, सिंबल आपने याद करे हुए अगर एटॉमिक नंबर्स, तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दिस एलिमेंट एज इट इज द एल्यूमिनियम. ठीक है, तो सिंबल विल बी एयर. और इसको अच्छे वे में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हाउ कैन यू राइट? यू कैन राइट एटॉमिक नंबर हियर 13, 27 इज द मास नंबर. ओके, तो इन दिस वे यू कैन डू द क्वेश्चंस. या फिर सिर्फ आपको ये भी ऐसे भी दिया जा सकता है, एंड यू नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 15 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 16, कितना दिया गया है? 15 एंड 16. तो इलेक्ट्रॉन्स आपको 15 है, एटम की बात कर रहे हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 16. तो ये चीज़ आपको क्या बता देगी? इट्स गोइंग टू गिव यू वन मोर थिंग, विच इज़ व्हाट एटॉमिक नंबर, दैट इन एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, विच गिव्स यू एन आइडिया ऑफ एटॉमिक नंबर. तो हमें इससे क्या पता चल गया कि एक्स क्या है हमारा? हमें पता है सबस्क्रिप्ट में हमने कैसे लिखा था इसे 15. एक चीज तो हमें ये पता चल गई कि यहाँ पे ये लिखा होना चाहिए, एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 16. आपको प्रोटॉन्स पता चल गए,
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालेंगे, विल बी इक्वल टू व्हाट, आपका कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी, अच्छा 16 दिया हुआ है ना, तो यू नीड टू कैलकुलेट मास नंबर विच विल बी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, टोटल प्रोटॉन्स 15, टोटल न्यूट्रॉन्स 16, कितना आ जाएगा 31। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 31। अब इसमें चेक कर लीजिए, तो इस तरह से कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए 15 और 16 दे दिया आपको, प्रोटॉन यहाँ लिख दिया या इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन यहाँ दे दिया, तो देर इज शुड बी नो डाउट इन सच क्वेश्चंस, और आप बहुत क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ ये न्यूमेरिकल्स कर पाए। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, द करेक्ट ऑप्शन इज ए एक्चुअली। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है, या वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है, आपको ये चीज दे दी जाए एंड यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कैन यू डू दिस। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 15 है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो 15, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एटम नॉट एन आयन, ठीक है ना। तो आपका प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन विल बी द सेम। न्यूट्रॉन्स के लिए जैसे अभी हमने ये 31 जैसे आया, ये 31 है ना, तो 31 माइनस 15 विल बी 16, तो न्यूट्रॉन्स की भी वैल्यू आपको पता चल जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन डू कैलकुलेशंस।